पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा मोहम्मद असलम नाम है। हम 0 पॉइंट पे खड़े हैं। ये हमारी कुछ शिकायतें हैं इस सरकार के खिलाफ। ये जो ये हम ड्राइवर हैं, टेम्पो चलाते हैं विक्रम, और हमारी ये है कि अगर सरकार ने जो ये रखा है कि 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा, तो ये प्रावधान क्यों करा है? ड्राइवर कहाँ से देगा? अपने बच्चों को पालना तो भारी पड़ रहा है। ड्राइवर के पास 10 लाख रुपए और होते तो वो अपना कारोबार करता, अपने कारोबार में बैठता, ना कि ड्राइवरिंग करता। तो ये इस सरकार ने क्यों करा है? बच्चों को भूख मारेंगे 10 साल में? अगर हमारे बच्चा इतना सारा है, इतना बड़ा है, और वो अगर हम जेल चले गए तो बच्चा हमारा पहचानने से इनकार कर देगा, पापा कौन है, कौन है, कौन नहीं है, ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून बनाया है ये हटा दिया जाए, ये वापिस लिया जाए कानून। हमारी यही मांग है। हमें क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद समीन नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम करते हो? जी मैं पाक बड़े का रहने वाला हूँ, मैं विक्रम चलाता हूँ। अब यहाँ पे क्यों खड़े हैं सब लोग आप? जी हम 0 पॉइंट पर खड़े हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। ये जो सरकार ने नया कानून बनाया है हम इसके खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और हमारी हक में कुछ बेहतर करे। आपने क्या सुना है कानून के बारे में? हमने ये सुना है कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर मान लीजिए हम जहाँ हादसा हो जाए, अगर हम नहीं भागेंगे वहाँ से तो हमें पब्लिक वैसे मार देगी। तो हमें तो अगर रुकते हैं तो हमें मरना है, भागते हैं तो हमें मरना। तो हम ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। देखिए हम सही चल रहे हैं, सामने वाले आके घुस जाते हैं, कोई पीछे से भी घुस जाता है। आपने देखा होगा कि मैं आगे पीछे से बाइकों वाले या कार वाले घुस जाते हैं। इसमें हमारी तो गलती होगी नहीं, हम तो बेफजूल में पिटेंगे हूँ अगर रुकते हैं तो। और अगर भागते हैं हम तो वैसे हमारे लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना बना दिया। अगर हम पे इतना कैश या ऐसा होगा तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? हम कोई कारोबार करके बैठेंगे? ठीक है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।